आमजन को ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए जागरूक करने के लिए 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ और राजधानी के जवाहर सर्किल पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कार्यक्रम में शिरकत की। परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए जागरूक होना होगा। लोग दुर्घटना में घायलों की मदद करने से बचते हैं, लेकिन अब घायलों की मदद करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने इसके लिए सोशल मीडिया पर भी जागरूकता कैंपेन चलाने की बात कही। समारोह में नुक्कड़ नाटक के साथ ही बाइक और कार रैली भी निकाली गई। जो मंत्री है वो संतरी बनकर, आम आदमी बनकर, सेवक बनकर सड़क पर अभी साइकिल चलाएगा और मैं खुद हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल भी चलाऊंगा। और मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, इस देश की सरकार की मालिक जनता है और जहाँ जनता मालिक हो वहाँ हम सब सेवक हैं। राहुल गांधी जी ने साफ संदेश दिया है कि जनता मालिक है, तो हम जनता को मालिक मानकर काम कर रहे हैं और ऐसे में सबकी सुनना, सबकी समझना, रूल्स को फॉलो करना और सबको साथ में लेकर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। रूल्स फॉलो करेंगे तो खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। हर एक घंटे में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। हमारे युवा साथी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया से खाना मंगवाते हैं, सोशल मीडिया से कपड़ा मंगवाते हैं, सोशल मीडिया से जूता मंगवाते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्ञान भी सोशल मीडिया पर लेना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ लेते हैं, अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया से किताबें पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया ढंग से छेड़ पाए, मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता को बदलने में, उनकी गाड़ियों को थोड़ा धीमा करने में हम लोग कामयाब होंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, करौली और पाली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, करौली, पाली की, जहां पर बाइक रैली निकाल करके लोगों को अवेयर किया गया, जागरूकता रैली निकाली गई कि वो जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं और क्या कुछ नॉर्म्स हैं और किस तरह से उनकी थोड़ी सी जागरूकता, उनकी थोड़ी सी मदद किसी जिंदगी को बचा सकती है।